मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप आप लोग एग्जाम अच्छा गया होगा। तो नेट्स नॉट वेस्टिंग अवर टाइम, तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहा है? 46 बोल रहा है कि अ न्यू गैल्वेनिक सेल इनोड सेल आर मोर देन द इनोड सेल ऑफ डैनियल सेल। ठीक है, किसी गैल्वेनिक सेल का इनोड सेल ज्यादा है डैनियल सेल से, इज कनेक्टेड टू द डैनियल सेल इन अ मैनर दैट न्यू इनोड सेल गिव्स इलेक्ट्रॉन टू कैथोड ऑफ डैनियल सेल, हाउ वुड द सिस्टम वर्क। तो मेरे हिसाब से ये जो होगा, क्योंकि डैनियल ईएमएफ डैनियल सेल विल इंक्रीज, ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल विल डिक्रीज, डैनियल सेल विल वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट वेयर ज़ेडन विल डिपॉजिट ऑन जिंक प्लेट और वाइल कैथोड। हां, बोल सकते हो ऑप्शन सी इज मोर करेक्ट आंसर, क्योंकि गैल्वेनिक सेल को डैनियल सेल के साथ कनेक्ट किया गया है इस तरीके से कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के काम में आ रहा है। हाँ, ये बोल सकते हैं इट विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इसको ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, 47 का फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट दिस एंड दिस दिया हुआ है, तो लैम्डा एंड लैम्डा सी और के इक्विलिब्रियम के बीच एक्सप्रेशन निकालना है। ठीक है, अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बराबर होता है लैम्डा बाय लैम्डा इंफिनिटी, और के बराबर क्या होता है? सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो सी बराबर क्या होगा? लैम्डा बाय लैम्डा इन्फिनिटी का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस लैम्डा बाय लैम्डा इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगा सी लैम्डा स्क्वायर बाय लैम्डा इन्फिनिटी माइनस लैम्डा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 इन अ डाउन सेल मोल्टन रॉक सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय मोल्टन सॉल्ट। मोल्टन सॉल्ट में आपको पता ही है कैथोड में कौन सा डायलॉग डिपॉजिट होता है? Na+ जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये दे रहा है Fe2+, अच्छा दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ द सेल? तो मैं क्या लिख सकता हूं 49 के ई सेल को? मैं लिख सकता हूं क्या? ई सेल को लिख सकता हूं E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या होगा? क्योंकि देखो अब यहां पे तो पहले ये पहचानो एनोड और कैथोड क्या होगा। Ag+ से Ag में जा रहा है, मतलब Ag का रिडक्शन हो रहा है और उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मतलब रिडक्शन हो रहा है Ag+ का, तो ये Ag वाला जो है वो कैथोड के जैसे बिहेव करेगा, तो यहां पे तो आ जाएगा 0.8 और सेट वाला -0.44। तो इस ऑप्शन वाला ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? 2 से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओवरऑल सॉल्यूशन को करने के लिए, मतलब इस सेल को में 2e कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां पे E0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही आसान है भैया। 4 सेंटीमीटर का मोर इनवर्स दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करें? 10^-4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 51 क्या बोल रहा है? इफ द पीएच ऑफ HCl इज NSHe इज डिक्रीज्ड बाय 1 यूनिट एट 298 केल्विन एट 290, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ठीक है, देखो इनिशियली लेट H+ में क्या मान रहा हूं 1 मोलर है। इनिशियली H+ कितना है? 1 मोलर है, मतलब 10 का पावर 0 मतलब 1 मोलर है। एज पर क्वेश्चन क्या बोला? डिक्रीज बाय 1 यूनिट। जब डिक्रीज कर रहा है तो न्यू पीएच कितना हो जाएगा? न्यू पीएच हो जाएगा मेरा 10^-1। ठीक है, डिक्रीज बाय 1 यूनिट मतलब 10^-1 हो जाएगा, 10^-1 हो जाएगा, 10^-1 मोलर हो जाएगा कंसंट्रेशन। H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10^-1 मोलर, पहले 0 था फिर 1 मोलर से डिक्रीज कर लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब आपको बोल रहा है ये कि पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज ऑफ SHE बोला, पोटेंशियल में क्या फर्क पड़ेगा? तो कोई दिक्कत नहीं है। E पोटेंशियल बराबर क्या होगा? E0 +0.059 / n log of H+, यही करते थे हम। E0 तो इसका क्या होगा? 0.059 / 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 59 / 1, क्योंकि H2 में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, H में कन्वर्ट हो रहा है, log of H+। ठीक है, log of H+ मतलब 10^1, इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी 0.059 वोल्ट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला?
जेडन देखो दिया हुआ, ठीक है आपको पता है, समझो बात को, क्योंकि मेरा ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग ऑफ जेडन प्लस 2 बाय सीयू प्लस 2। क्या ये रेशियो होता है? अगर ईएमएफ इसके रेशियो पे ही डिपेंड करेगा। अब आप गौर से देखो, तीनों केसेस में रेशियो क्या है, सेम है, इसका मतलब ई1 बराबर क्या होगा, ई2 इज इक्वल टू ई3। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस एंड दिस रिएक्शन। तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉग के इक्विलिब्रियम बराबर होता है एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059। तो एन की वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.059 बाय 0.059, दिस कैंसिल, तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू आ रही है 10 का पावर 2। सो दैट्स नथिंग बट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करो, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेटेड टाइम इन आवर फॉर कलेक्टिंग 18 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम 18 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम फ्रॉम मोल्टन MgCl2 यूजिंग अ करंट ऑफ 10 एम्पीयर। ठीक है, 18 ग्राम को टाइम कितना लगेगा, ठीक है, तो W बराबर क्या होगा, EIT by 96500। ठीक है, तो W उसने 18 ग्राम दिया हुआ है, इसका कितना आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट 12, करंट कितना दिया उसने 10 एम्पीयर, टाइम मुझे निकालना है। लेकिन एक बात है, ये टाइम जो है वो सेकंड में आएगा, आपको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है, तो 10 एम्पीयर बाय 96500, तो एप्रोक्सीमेटेड टाइम ये आता है 4. तो ये एप्रोक्सीमेटली आ जाएगा आंसर आपका 4 आवर आएगा, ठीक है, 4.02 आवर आता है एप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अल्फा बराबर क्या होता है, लैम्डा एम बाय लैम्डा इंफिनिटी, ठीक है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस उसने दिया हुआ है, ठीक है, 7.36 दिया हुआ है एट दिस कंसंट्रेशन पे 0.05 और इनफाइनाइट पे 390.7। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो अल्फा की वैल्यू जो आती है, ये अल्फा की वैल्यू आएगी 1.88 10^-2, ठीक है, क्योंकि फॉर वीक एसिड के लिए, तो वीक एसिड के लिए के का फॉर्मूला हो जाता है डायरेक्ट सी अल्फा, इसका 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट हो जाता है, तो सी माइनस मतलब 0.05 × 1.88 × 10^-2 का होल स्क्वायर, तो दिस के यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे के की वैल्यू 1.77 10^-5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, द मास ऑफ कॉपर दैट विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 0.2 mm सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट when a quantity of electricity equal to that of required to liberate 2.24 liter of hydrogen from 0.1। अच्छा, mass of copper deposit करना है, तो उसके लिए आपको बस कुछ नहीं, W1 by E1 equal to W2 by E2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे weight of hydrogen आपको दिया नहीं है, weight of hydrogen आपको कैसे निकालेंगे, mass करके 22.4 को 2.24 से divide कर देंगे और 2 से multiply कर देंगे, तो you will get your weight of hydrogen, तो दैट्स नथिंग बट 0.2 ग्राम आता है, कितना आता है 0.2 ग्राम, ठीक है। अब कुछ नहीं, वेट ऑफ कॉपर निकालना है, वेट ऑफ कॉपर कितना होगा और इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर कितना आ जाएगा 63.5/2 और W2 0.2 और इक्विवेलेंट इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो वेट ऑफ कॉपर यहां से जो आ जाता है, वेट ऑफ कॉपर आ जाएगा यहां से 6.35 ग्राम, 56 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है, सीडी अमलगम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्यूशन CdCl2 यूजिंग अ मर्करी कैथोड, ठीक है, करंट ऑफ हाउ मच एम्पीयर आई निकालना है, टी दिया हुआ है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर 20 सीडी ग्राम ऑन अ 2 ग्राम ऑफ मर्करी। देखो 20% CdHg अमलगम का मतलब ये हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 80 ग्राम मर्क्यूरी 20 ग्राम कैडमियम कंटेन करता है, तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा,
20/80 और मुझे मतलब कितने से 2 ग्राम मरकरी से, तो 2 ग्राम कितना करेगा 1/4, तो 10^0.5, ठीक है। तो W बराबर, फिर अगेन वही फॉर्मूला, W बराबर EIT, W बराबर EIT by 96500, ठीक है। तो 0.5 ग्राम आपको पता है, कैडमियम का उसने एटॉमिक वेट दिया हो 112.40 बाय। अब CD किसमें जा रहा है, CD प्लस 2, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके CD सॉलिड में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब डिवाइडेड बाय 2 करंट निकालना है, टाइम दिया हुआ, डिवाइडेड बाय 96500। अब यहां से अगर सॉल्व करोगे तो एप्रोक्सीमेटली आंसर आता है 8.58 एंपियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 के बाद करते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी सही है। 59 के बाद का एसटीपी 1.1 लीटर हाइड्रोजन ऑब्टेन ऑन अ फ्लो ऑफ करंट एंड सिस बाय द वैल्यू ऑफ करंट इज, तो देखो वेट अगेन निकाल लो, 1.12 को डिवाइड कर दो 22.4 से और मल्टीप्लाई कर दो इसको 2 से, तो आपको ये कितना आ जाएगा, ये एप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू आती है ये 0.1 ग्राम आता है, कितना आता है 0.1 ग्राम। आपको निकालना है क्या, 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/96500, 96 इक्विवेलेंट वेट 1 हो जाता है इसका, इनटू करंट आपको निकालना है, करंट आपको निकालना है, टाइम दिया हुआ है 965, ठीक है। तो यहां से जो करंट की वैल्यू आती है वो आती है 10 एंपियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 के आप सॉरी क्वेश्चन नंबर 59 ही था ये, माय मिस्टेक, क्वेश्चन नंबर 59 था, 58 आपका 20 का क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है, जेड एन टर्म प्लस दिया हुआ है, E0 के -0.5 द सेल्फ पोटेंशियल बोल रहा है, देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल -0.7 से फार्मूला बेस्ड है, प्लस 0.059 बाय 2 लॉग ऑफ जेड एन टू प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.1, तो अप्रोक्सीमेटली जब इसको ऐड करोगे तो -0.789 आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये 10^-1 तो -1 चला गया ये और ये log 10 हो जाएगा ये, ठीक है। जब उसका ऐड करते हो 0.79 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आपको सब चीज समझ में आ गई है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 60 के बाद, 60 हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोल रहा है कि ये दिया हुआ है AgCl, तो KC को कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला कैसे रिएक्शन शो करेगा, पर ध्यान से समझना, लेफ्ट वाला जो रिएक्शन करेगा, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होगा, ठीक है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होगा वो होगा H2 गैस किस में कन्वर्ट होगा, देखो H2 उधर है तो H+ में कन्वर्ट होगा, तो ट्वाइस ऑफ H+ दो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब लेफ्ट में। राइट इलेक्ट्रोड वाला क्या रिएक्शन शो करेगा, राइट वाला इलेक्ट्रोड क्या रिएक्शन शो करेगा, राइट वाला इलेक्ट्रोड रिएक्शन शो करेगा ट्वाइस ऑफ AgCl, ट्वाइस ऑफ AgCl सॉलिड, दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये करेगा ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Ag सॉलिड प्लस Cl माइनस, प्लस Cl माइनस, ठीक है, ट्वाइस ऑफ Cl माइनस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो ये क्या देगा, H2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ AgCl सॉलिड टेंस टू गिव ट्वाइस ऑफ H+ ट्वाइस ऑफ Cl- प्लस ट्वाइस ऑफ AgCl सॉलिड, ठीक है। KC की बात करो तो KC में ना गैस आता है, ना ये आएगा, ना ये आएगा, ठीक है, थोड़ा बात को समझना, ना गैस आएगा क्योंकि H2 है तो वो तो 1 atm हो गया प्रेशर, तो KC का जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा H+ का होल स्क्वायर और Cl- का होल स्क्वायर। केसी के एक्सप्रेशन की बात करो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा ना, प्रोडक्ट मेरा क्या है, प्रोडक्ट में ये सॉलिड आ नहीं सकता, रिएक्टेंट में प्रेशर ऑलरेडी 1 है तो वो तो डिवाइडेड बाय 1 हो गया, इसका मतलब H+ का स्क्वायर Cl- का स्क्वायर या H+ और Cl- का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 61,
क्वेश्चन नंबर 62 द स्पेस इन द ड्राई सेल इज फिल्ड विद ऑप्शन सी ऑब्वियस थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ड्राई सेल फ्यूल सेल ये सब मैंने आपको बोला था एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा ठीक है तो ये सब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि अगर ई नॉट सेल दिया हुआ है ये सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय कपलिंग द टू इलेक्ट्रोड Sn प्लस 2 वाला Cu वाला ई नॉट और Sn का ई नॉट Cu का एंड ई सेल माइनस 0.14 0.34 एंड 48 डी रिस्पेक्टिव द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल इज तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन तभी है जब देखो Sn से Sn प्लस 2 जाएगा देखो ई सेल बराबर क्या होगा ई सेल बराबर को मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर 62 ई सेल को मैं क्या लिख सकता हूं मान के चलो ई सेल को लिख सकता हूं ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड बराबर ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड आप ऐसे लिखो या ई नॉट ऑफ ये रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में लिखें याद रखना दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन पोटेंशियल क्योंकि यहां मेरा रिडक्शन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो कैथोड का कितना दिया हुआ 0.34 माइनस ऑफ माइनस 0.14 इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट Cu2 प्लस से Cu में कन्वर्ट होगा बराबर ठीक है तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपको इस केस में ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 63 हो गया 63 हो गया सॉरी 64 की बात करूं मैं E1 E2 E3 आदि यहां पहले 3 गैल्वेनिक सेल ठीक है 3 गैल्वेनिक सेल है तो सिंपल से बात समझ में ऐसे याद रखो कि ऐसे समझ लो ई सेल को मैं कैसे लिख सकता हूं ई सेल को लिख सकता हूं इस केस में Zn और Cu के केस में 0. ई नॉट सेल प्लस 0.059 बाय 2 log of Zn प्लस 2 डिवाइडेड बाय Cu प्लस 2 ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी कम होगी उतना ईएमएफ की वैल्यू क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है बेसिकली ई नॉट सेल पे तो डिपेंड करता नहीं ई सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनके ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो इसका मतलब ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ई नॉट से ईएमएफ उतना कम होगा तो सबसे तो आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि सबसे कम जो रेशियो होगा पहले वाले में रेशियो कितना मिल रहा है आपको Zn बाय Cu का रेशियो होगा 10 पहले वाले में 10 होगा दूसरे वाले में क्या होगा 1/1 होगा तीसरे वाले में जो होगा रेशियो वो हो जाएगा 0.1 हो जाएगा जिसका मतलब तीसरे केस के लिए मेरा ईएमएफ सबसे ज्यादा होगा मतलब E3 के वैल्यू सबसे ज्यादा होगा फिर E2 के वैल्यू होगा फिर E1 के होगी 65 की वैल्यू पर बात करते हैं ठीक है 65 क्या बोल रहा है 0.1 एम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ए प्लस बी माइनस इज प्लेस्ड इन द कंडक्टिविटी ऑफ सेल इलेक्ट्रोड 4 सेंटीमीटर अपार्ट अच्छा 4 सेंटीमीटर अपार्ट एल दिया हुआ है ए दिया हुआ है 1.4 द मोलर कंडक्टिविटी तो कप्पा बराबर क्या हो जाता है जी इनटू 1/r तो एल बाय ए इनटू 1/r दैट समथिंग बट लेंथ ठीक है तो ये कितना दिया हुआ 1/r तो 200 दिया हुआ इनटू लेंथ कितना दिया हुआ आपको 4/2 ठीक है ये कप्पा हो गया तो लैम्डा एम बराबर क्या होगा 1000 इनटू कप्पा बाय मोलरिटी तो 1000 बाय मोलरिटी इसने कितना दिया हुआ है मोलरिटी दिया हुआ है 0.1 और कप्पा दिया हुआ 1/200 इनटू 2 तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा 100 क्वेश्चन नंबर 66 इसमें से बी कौन सा है सीसीएलसी सी डबल एच वीक है एससीएलओ3 वीक है सी6 में एससी डबल एन वीक है और आपका 1 2 3 COH ट्वाइस भी क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है ठीक है तो 66 ऑप्शन 4 होगा ठीक है क्वेश्चन नंबर 67 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पहला सही है दूसरा सही है तीसरा गलत है लैम्डा नॉट नहीं है लैम्डा नॉट मतलब हो गया आपका इनफिनिट वाला तो उल्टा दिया हुआ इसने तो सी ऑप्शन गलत दिया हुआ ठीक है क्वेश्चन नंबर एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन हमेशा कर्व नेचर 67 का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 अकॉर्डिंग टू दैट A to B का हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे A to B का जो रिप्रेजेंटेशन होगा मोलर कंडक्टिविटी के साथ तो जितना नंबर होता है मोलर कंडक्टिविटी में उतना ऐड हो जाता है ऑफ A प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ B ठीक है तो ऑप्शन डी करेक्ट है 70 नंबर की बात पर चलो फॉर द रिएक्शन कैन नॉट बी बेस्ड फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रिएक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए क्या होना चाहिए
इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तो जिसमें देखो पहला है, दूसरा है, तीसरा भी है, इलेक्ट्रोलाइट है तीनों के तीनों, बट चौथा ऑप्शन में इलेक्ट्रोलाइट का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज गलत दिया हुआ है 60 70 के अंदर बात करूं तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करो, 71 ऑब्वियस बहुत थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, 9650Z2V, ठीक है। और फिर भी अगर आप नहीं समझ में आता हूं मैं एक बार बता देता हूं, 71 नंबर 71 को मैं क्या लिख सकता हूं, E/96500, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक वेट बाय वैलेंसी इनटू 96500, ऐसे लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब यह है कि एटॉमिक वेट को मैं क्या लिख सकता हूं, एटॉमिक वेट को लिख सकता हूं Z into V into 96500, ठीक है। ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, which of the following statement is correct for the galvanic cell written in abbreviated form? So right electrode hamesha kya rehta hai, positive, left electrode cathode rehta galat, right electrode is around galat, right electrode positive terminal hai, to option C correct hai. Question 73 ki baat karo, which of the following is wrong, the electrode potential is called standard electrode but if electrode is set up at 1 molar solution 290, bilkul sahi diya hua hai. The electrode potential PTH2H+1M is taken as 0, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इट इज यूज्ड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, नहीं प्राइम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं होता, ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। तो 73 का ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, फ्यूल सेल इज द वोल्टेनिक सेल, ये तो आपने कर लिया, ऑप्शन बी है, याद रखिएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 75, कैन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स बिटवीन Zn2+ एंड Au एटम, ठीक है। देखो जिंक में आप अगर गौर से देखोगे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जिंक किसी भी गोल्ड सॉल्यूशन, किसी भी अदर के मेटल सॉल्यूशन से उस मेटल को क्या कर सकता है, वो डिस्प्लेस कर सकता है। बिकॉज इट्स देखो जिंक का सबसे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है, सो इट कैन डिस्प्लेस ऑल द अदर एटम फ्रॉम देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा और नो, और इसका इनोड सेल -2.18 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, 76 में एक जिंक प्लेट है, कॉपर प्लेट है, और दोनों को कनेक्ट कर दिया है नीचे इलेक्ट्रोड से, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ पी, व्हाट इज द पोलैरिटी, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोड पी एंड क्यू इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। P का तो नेगेटिव होगा क्योंकि लेफ्ट में है, Q का क्या होगा पॉजिटिव क्योंकि वो राइट में है, ठीक है। तो बोथ P एंड Q ऑप्शन सही होगा, ठीक है। 76 का सी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर रिलेटेड टू इक्विवेलेंट मास ऑफ द प्रोडक्ट, 77 का ये हो जाएगा। 78 क्या है, व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी इन एनोड पीबी SO4 इज रिड्यूस्ड टू PV, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। 79 नंबर की बात करता हूं, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज करेक्ट, E H+H2 > 0 गलत है, D+D2 ये भी गलत है, ठीक है। पैराडॉक्स रिएक्शन इज फिजिबल इफ सम ऑफ SRP ऑफ ऑक्सीडेंस एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है, क्यों करेक्ट है समझो बात को। देखो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, मेरा नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए डेल्टा जी नॉट करेगा -NFe0 सेल, तो इसका मतलब E0 सेल क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। E0 सेल मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ SRP of oxidant and reductant is positive quantity, बिल्कुल सही बात है, तभी spontaneous reaction हो सकता है मेरा वो, या feasible हो सकता है। Indicator electrode क्या होता है, quinine hydroxide electrode क्या होता है, electrode हालांकि यहाँ पे syllabus में नहीं है, तो आप इस question को आप bonus marks के जैसे आप behave कर सकते हो, quinine hydroxide electrode आपके syllabus में नहीं है, ठीक है। 81 out of Cu, Ag, Fe and Zn the metal which can displace all the other solution, अभी मैंने आपको समझाया था पहले क्वेश्चन, जिंक का सबसे लोवेस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होता है अमंगस्ट ऑल द मेटल, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी भी को डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 82 नंबर की बात करें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का 4 एलिमेंट दिया हुआ है, तो व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे नेगेटिव है जितना ज्यादा होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट उतना ही अच्छा होगा, तो नेगेटिव में सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू है 1 की है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। 83 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। आपको पता है कि दो इक्वेशन दिया हुआ, दो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपको देखने से समझ में आ रहा है कि K2 जो होगा वो K1 का
स्क्वायर होगा बराबर के टू जो होगा के वन का स्क्वायर होगा, और ई नॉट की वैल्यू कभी भी इनके मल्टीप्लाई करने से चेंज नहीं होती, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 84 ऑफिस अगर ऑप्शन सी है या फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। 85 इन इलेक्ट्रोकेमिकल से कोरोजन ऑफ मेटल द मेटल अंडरगोइंग कोरोजन। देखो जब भी कोई कोरोजन में क्या होता है ना कि मेटल जो होता है वो प्योर मेटल हमेशा एनोड की जैसे बिहेव करता है और उसकी इम्प्योरिटी कैथोड की जैसे बिहेव करती है। अगर सिर्फ मेटल बोला तो इट विल एक्ट एज अ एनोड, ठीक है, सॉरी इनर्ट, इट विल एक्ट बिकम इनर्ट। 86 की बात करते हैं, 86 अगेन प्लस 3 आंसर आपने कर लिया होगा, सेम क्वेश्चन है इसके ऊपर जैसे। 87 की बात करें, देखो 87 अच्छा क्वेश्चन है। ए गैस पी एट 180 इज बबल टू अ सॉल्यूशन ऑफ गैस मिक्सचर एमक्यूआरएस, ये ऊपर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट नीचे की बात। इफ ई नॉट वैल्यू ऑफ इन द ऑर्डर, ई नॉट की वैल्यू है आर क्यू पी दिया हुआ उसने, ठीक है, देखो सिंपल सी बात समझ, जिसकी जितनी ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है, उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसका मतलब R की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो R सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, Q से कम होगा P इससे ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, देखो Q R को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है R से, तो Q जो है P को कर सकता है, इसके पीछे जितने भी मेटल आएंगे वो सबको ऑक्सीडाइज कर सकता है बट वो R को नहीं कर सकता। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दिया हुआ, ठीक है। 88 नंबर की बात करो तो अगेन इनोड रिडक्शन ऑफ निकल माइनस इनोड रिडक्शन ऑफ जिंक करोगे तो आप डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है। हां हैड इनफिनाइट डाइल्यूशन दिस से देखने पर 89 का सी आंसर होगा, ठीक है। 90 नंबर क्या होगा, देखो 90 नंबर में याद रखना, जिस मेटल का जितना हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP होगा उतना ही इजीली वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और नॉन मेटल का जितना हाई पॉजिटिव वैल्यू ऑफ SRP होगा उतना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक्सेप्ट करता है। तो यहां से आप समझ पा रहे मेटल का जितना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, मतलब रेडिएशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, एल्युमिनियम की होगी, उसके बाद Fe की होगी, उसके बाद Br की होगी, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट, ठीक है। फिर आपको कुछ समझ में आया तो यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट मी, थैंक यू वेरी मच।